कानपुर में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में लगभग 150 करोड़ रुपए मिले नकदी सीज का सीजीएसटी कानून के तहत होगी कार्रवाई। ओवैसी की धमकी वाले बयान पर गरमाई सियासत, ओवैसी बोले मेरा भाषण हरिद्वार से ध्यान हटाने की कोशिश, बीजेपी ने कहा जहर घोलने वाला है बयान। बीजेपी पर राहुल गांधी का निशाना, ट्वीट कर कहा हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं हिंदुत्ववादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चुकाते हैं कीमत। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नाराज, हरीश रावत को मिली जिम्मेदारी, उत्तराखंड में कैंपेन कमेटी का मिला जिम्मा, सीएम कैंडिडेट के नाम पर फैसला बाद। ये कहा गया कि ये लीड करेंगे, सब कॉपरेट करेंगे। लुधियाना ब्लास्ट की शुरुआती जांच में खुलासा, मारा गया व्यक्ति ही था हैंडलर, दो चिट्ठियों से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकी हमले का पहले से था अलर्ट लेकिन फिर भी सुरक्षा इंतजामों में हुई चूक। 24 घंटे में दुनिया भर में 9,54,000 नए कोरोना केसेस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी बरतने पर दिया जोर, बढ़ते खतरे को देखते हुए कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.